दोस्तों आइए देखते हैं कि कैसे सिलाई करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि इसको कैसे हम जंपर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो हमने स्टील में जॉइंट जो है, जो जॉइंट था, देखिए इसमें का कपड़ा नहीं था, ये इसके डबल था, दो मोहरी का था, पतली दुबली लड़कियों का होता है, ये बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है। तो इसमें देखिए हमने इस तरह का जो बॉर्डर था वो लगाया था, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि ये बॉर्डर जो है चौड़ा हो गया, हमें यहीं तक लगाना था, तो खैर अब लगा दिए, वो साइड में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए ये पट्टी जो है हमने इसको जोड़ के पट्टी को पलट दिया, और इसकी जो है देखिए दरज जो है ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे करके फाड़ दिया जाता है, ठीक है, एक साइड पे इंटरलॉक था तो एक साइड पे हमने कर दिया। अब इस पट्टी को देखिए पलट के, और हमने इसको पट्टी लब तोड़ भी लिया है, इसको पट्टी लब तोड़ भी दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको जो है इसी साइड से हम इसको तुरपाई कर देते हैं, ये इसको जो है ना इसी साइड से ऐसे करके तुरपाई कर लेते हैं, चूँकि इसमें जो है चाक दामन वगैरह में सब में तुरपाई है, और तुरपाई में दोस्तों बहुत ज़्यादा उलझन होती है, तुरपाई अब दौर नहीं रहा, लेकिन आज भी कुछ ऐसे हैं कस्टमर जो उनको तुरपाई जो है वो पसंद है, चूँकि उनको फिनिशिंग इसमें लगती है, और फिनिशिंग रहती तो खैर है, ठीक है। इसमें इस तरह से जल्दी जल्दी से हम तुरपाई कर देते हैं, ये इस तरह से, और इसको एकदम बराबर से पकड़ना है, अगर किसी को भी ढीला टाइट करेंगे तो ये अस्थि छोटी बड़ी हो जाती है, तो इसको एक बराबर ऐसे करके पकड़ के ऐसे फटाफट तुरपाई कर लेते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को, और इसमें चूँकि जो है गोल्डन इट वो लगा हुआ है धागा, तो सुई उसमें फंस जाती है, इस तरह से जल्दी जल्दी से तुरपाई कर देते हैं, लंबी ही सही लेकिन तुरपाई तुरपाई होती है, जल्दी से यहाँ पर टाका बांध के इसको तोड़ दो, तो इस तरह से देखिए तुरपाई हो गई, एक तरफ जो है तुरपाई हो गई है, और ये दूसरी है तीन, दूसरे में भी सेम वही तरीका है, ये देखिए इसको भी हम जल्दी से तुरपाई कर देंगे। तो इस तरह से जल्दी जल्दी तुरपाई कर देते हैं, Thank you.
चौपाई हो गई। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों कि इसको जो निशान लगा है ये इसमें 5.25 इंच जो है मोरी हमने नापी थी, तो इसको जो है 5.25 इंच ऐसे करके ये नाप के पहले धागा चढ़ा लेते हैं। इसमें देखिए 5.25 इंची मोरी थी, तो यहाँ पे से एक सूत बढ़ा लेते हैं और एक सूत के पास ये ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसमें इंटरलॉक कर लेंगे दोस्तों ये, और यहाँ पे जो है 7.25 इंच जो है इसको बराबर कर लेते हैं ऐसे, और इस तरह से बारीक सिलाई कर लेते हैं क्योंकि एक ही सिलाई लगानी है तो बारीक सिलाई कर लेना चाहिए। बहुत कपड़ा कम था इसका और ये 9 इंच इसका बल्ला था, तो 9 इंच हम नाप लेते हैं 9 इंच करके और इसमें इसको तो सिलाई जो है सीधी लगा देते और इसको ऐसे बराबर से सारा पुजवा इसका काट देते हैं। और इसकी मोहरी के पास जो है जब इंटरलॉक किया जाता है दोस्तों, तो इसकी मोहरी के पास क्या किया जाता है कि यहाँ पे डबल सिलाई लगा दी, एक लब के ऊपर भी लगा दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि मोटा रहता है, लेकिन मोटा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है सिलाई लगाने से ये दब जाता है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड पे भी तरीके से लगा लेते हैं, ऐसे करके नाप लेते हैं, ये देखिए ऐसे नाप लेते हैं पहले अच्छे से और इस पर निशान लगा लेते हैं, और फिर इसको साइड को भी हम जो है ऐसे मिला लेते हैं, ये साइड से भी पूरा मिला लेते हैं, ये साइड से मिला के निशान लगा लेते हैं। इसमें देखिए क्योंकि ज्वाइंट था तो किसी में कम किसी में ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा निशान कम ज़्यादा आ रहा है चौड़ाई का सिलाई, तो मेन होता है दिखाई देना, तो ये निशान लग गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अच्छे से हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों इसको हम क्या करते हैं बहुत अच्छे से सिलाई ऐसे लगा देते हैं। उसको एक बार नाप भी लेना चाहिए नौ आ रहा है कि अच्छे से सिलाई लगा, ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पास से भी ये सिलाई जो है क्योंकि इसमें इंटरलॉक रहता है, इसको हमें ऐसे करके सिलाई अच्छी सी लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी ये भुजवा दिख रहा है ये पहले तो इसको काट देते हैं और फिर इसी पे इंटरलॉक जो है पहले ही से काट देना चाहिए, इंटरलॉक करने से पहले से ही। तो इसमें क्या होता है कि इंटरलॉक से पहले काट लेने से अच्छा रहता है। अब हम इंटरलॉक जब हम सिलाई कर लेंगे तो लगाएंगे, ठीक है। ये जैसे आगे इसकी और दूसरे तरफ की भी ये आगे इसकी, इसमें हमें बार बार ये जो बॉर्डर जो है इधर का बड़ा बुरा दिख रहा है, पैर अब तो लगा ही दिया है, जो होगा जब कस्टमर कुछ बोलेगी तो फिर हम करना पड़ेगा दोबारा, और कहना नहीं चाहिए क्योंकि इसका यही एक हल। अब उसके बाद दोस्तों हमने जो है ये सामना बैग इसमें बना लिया था, आपको दिखा देते हैं कि सामने बैग में क्या बनाया था। ये देखिए सामने बैग में हमने ये गला फर्स्ट क्लास पलट के और ये देखिए इसकी पॉलिश पट्टी इसमें लगाई हुई है। अब इसमें हम क्या करेंगे,
स्किन को इसमें चढ़ाने के लिए शोल्डर को ऐसे पकड़ लेते हैं और ये दोनों को ऐसे मिलाते हैं, ये दोनों को ऐसे बराबर से पकड़ के मिलाते हैं, नीचे से जहाँ तक बराबर में आए स्किन का ज्वाइंट वहीं पे से चढ़ाते हैं। ये देखिए जितना इधर आया तो स्किन का ज्वाइंट यहाँ पे चढ़ाएँ। अब इसमें चढ़ाने के समय देख लिया जाता है कि नीचे का इधर बढ़ रहा है स्किन में और नीचे का ये बढ़ रहा है, ये इसी में की स्किन है, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको ये फुटके के ऊपर ये ज्वाइंट रख लेते हैं और इसको गले की तरफ से दोनों पकड़ के निकाल लेते हैं। ये देखिए फुटके पे हमने ये रखा हुआ है और इसको हम जो मशीन के नीचे मशीन में ऐसे निकाल देते हैं। ठीक, मशीन में ऐसे फंसा लिया और उसके बाद इस प्रकार से ऐसे बराबर करके और ज्वाइंट को उधर गिरा के सिलाई लगाते जाना है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता पहली सिलाई लगाई जाती है। ठीक है, पहली सिलाई जो है बहुत आराम से लगाना है, धीरे धीरे लगाते जाएंगे। ज्वाइंट पे आ जाए तो उसको जो है ये देखिए फुट का एकदम ज्वाइंट पे आया है, नहीं भी आया है तो उसको हल्का सा और अंदर कर दो और उसके बाद इसको नाप करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए इसको नाप लो एक बार, अगर बढ़ रहा है तो इसको एक बार और भी थोड़ा सा नम ऊपर ही कर दिया जाता है और बहुत धीरे धीरे करा जाता है। इस तरह से धीरे 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 सिलाई करते जाइए, इसको बराबर कर लेना। कपड़ा जो है अच्छा ज़रूर है लेकिन दोस्तों मजबूत नहीं ना कपड़ा, ड्रेस वगैरह अच्छा लग रहा है। इस तरह से इसका पुचड़ा वगैरह सारा काट देते हैं। तो धीरे धीरे करके अब इसके जो है एकदम दूसरे साइड पे जो है इधर जो है किनारा है उसी तरफ सिलाई लगा दी, जिसमें इंटरलॉक करते समय थोड़ा सा मजबूती रहेगी, इसमें पकड़े रहेगा तो बराबर से इंटरलॉक हो जाएगा। अब इसको हम ये कुचड़ा काट दिया और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये देखिए स्क्रीन जो है अच्छे से चल रही है। ठीक है, अब आइए दूसरे तरफ और दूसरी स्किन दूसरे तरफ चढ़ा देते हैं। सेम वैसे ही नापना है जैसे पहले नापा था, बराबर से नाप के जहाँ पे बढ़ जाए नीचे का जो है बराबर करते करते आ जाए वहीं पर से स्किन चढ़ जाएगी। ये देखिए नाप स्किन चढ़ जाएगी और ये वाली स्किन ये है और इसमें भी उसी कुटके पे रख के उसी कुटके पे हम रखते हैं और उसके बाद इसको ये फंसा लेते हैं। इस तरह से फंसा लिए और उसके बाद इसको इस तरह से सिलाई आहिस्ता आहिस्ता लगाते जाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए और इसमें थोड़ा सा तेल पड़ने की ज़रूरत है दोस्तों और इसको देखना पड़ेगा, इसको पहले हम कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम जब फारिग होंगे तो इसमें तेल पानी एक बार अच्छे से कर देंगे
सही पास से जो है इसमें थोड़ा सा सूख गया है कोई चीज़, तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा नम करते जाएंगे। एकदम खुद का जो है कंधी के ऊपर आना चाहिए, जिससे जो है बैलेंस एकदम सही है। इस तरह से धीरे धीरे नापते हुए ये के बराबर आ गए एकदम। ये चल गई दोनों तरफ की अस्थीन, और इसमें हम जो है इंटरलॉक कर देते हैं। और आइए दिखाते हैं आपको इंटरलॉक करते हुए जी, यहीं पास से आपको दिखा देते हैं। तो आइए दिखाते हैं इंटरलॉक भी कर देते हैं इसमें। इंटरलॉक इसको पलट के ये रूप में पलट के इंटरलॉक अच्छे से कर देते हैं। आपको इस साइड को घुमा देते हैं, और इसमें जो है दोस्तों इस साइड को घुमा देते हैं। ये देखिए इसको आपको दिखाते हैं, ये साइड पे
आपको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये देखिए ये साइड पे आ गए। और देख रहे हैं, अच्छा हुआ कि इसमें रिकॉर्डिंग आ गई, किस तरह से ये लोग बहुत तेज़ी से आवाज़ में जाते हैं बजा के यहीं पास से, तो बड़ा ख़राब सा लगता है, लेकिन शिकायत किससे करें। तो इस तरह से दोस्तों आपको दिखाते हैं कि इसमें दामन जो है, इसका दामन इतना निशान लगा हुआ है, इतना दामन काफ़ी लंबी थी पीस, ये इसको फिर से काटा नहीं, इसको जो है इस तरह से यहाँ पास से इसका दे देते हैं, इस तरह से एक राम वाली निशान है। गाँव वाले में से किसान के दोस्त ऐसे तोड़ के और इसको जो है अंदर की तरफ मोड़ देते हैं, इतना चौड़ा ऐसे करके। तो इस तरह से ये पट्टी से भी जो है हम इसको दबा सकते हैं। और इसी तरह से जो है दोस्तों पीछे का भी हिस्सा है, ये देखिए पीछे का भी हिस्सा जो है, इसको हम नाप लेते हैं ये कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी जो है यहाँ पे आ रहा है, ये वाली जो है ये ग्राम वाली, ये तो इसको भी हम ये ग्राउंड वाले को ऐसे इस तरह से पहले तोड़ेंगे और उसके बाद इसको जो है अंदर मारेंगे। इस तरह से जो है इसका दामन दोस्तों तोड़ लिया है। अब हम जो है काउंटर पे चलते हैं, उसकी अपनी मशीन पे चलते हैं और इसमें सुरपाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को हम यहीं पास ख़त्म करते हैं दोस्तों, ये लंबी हो गई वीडियो, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये लाएँ दामन, इसका सुरपाई करते हैं।